और कहे के भैया भाव देखी कैसे भैया हो फिर भर देखी हो तो हर न बजई चितब सीता हर न बजई कोण लागतानी समाचार बक्सर से बा रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी। जिला प्रशासन धूमधाम से मनैलस सड़क सुरक्षा सप्ताह। कई वो माध्यम से लोग के करे गई जागरूक करे के प्रयास। खबर के विस्तार से सुनी। यातायात नियम के जानकारी के कमी के वजह से प्रत्येक साल सड़क दुर्घटना के वजह से पूरा देश में लाखों लोग के मृत्यु हो जाला, लाखों लोग घायल हो जालन। सड़क दुर्घटना में कमी ले आवे खातिर केंद्र सरकार राष्ट्रीय कार्यक्रम सड़क सुरक्षा सप्ताह के शुरुआत कैलस, जवन प्रत्येक साल के जनवरी में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दिवस के रूप में पूरा देश में मनावल जाला। जेकरा तहत कार्यक्रम के द्वारा लोग के यातायात नियम के जानकारी देवे के साथ साथ कई गो माध्यम से जागरूक करे के कार्य कैल जाला। रउरा सबके बता दी कि बक्सर जिला प्रशासन नगर भवन के सामने 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित कर के लोग के जागरूक करे के प्रयास कैलस। कार्यक्रम के शुरुआत दीप प्रज्वलित करके जिलाधिकारी अमन समीर कैनी, साथे साथ सड़क सुरक्षा के लेके लोग के जागरूक करे के कई गो स्लोगन आ नुक्कड़ नाटक आ झांकी निकाल के जागरूकता के संदेश फैलावल गई। वही जिलाधिकारी अमन समीर बतैनी कि यह जागरूकता कार्यक्रम से लोग जागरूक हुई हैं और जागरूकता से दुर्घटना में कमी आई। ये कार्यक्रम 18 जनवरी से 17 फरवरी तक पूरा जिला में चलत रही। बता दें कि सड़क सुरक्षा सप्ताह एक हफ्ता के होला, लेकिन जिलाधिकारी एजा मृत्यु के दर के देखत एक महीना कर दिले बनी ताकि अधिक से अधिक लोग तक जागरूकता फैले। यही से एक महीना तक 18 जनवरी से 17 फरवरी तक पूरा जिला में इस सड़क सुरक्षा सप्ताह चलत रही। वही जिला परिवहन पदाधिकारी बतैनी कि पिछला 10 वर्ष के दुर्घटना के देखत ही कार्यक्रम चलावल जाता। हालांकि 2018 के बाद से जागरूकता के वजह से दुर्घटना में कमी आई बा। ये कार्यक्रम जिला से लेके पंचायत तक हर पंचायत में पिक्चर आ स्लोगन के माध्यम से लोग के जागरूक करे के कार्यक्रम चलावल जाए। कार्यक्रम में जिलाधिकारी या जिला परिवहन पदाधिकारी SDM के उपाध्याय समेत कई गोवरीय पदाधिकारी डॉक्टर दिलशाद अहमद समेत सामाजिक कार्यकर्ता आ बजाज एजेंसी के मालिक समेत कई लोग मौजूद रहे। ई लोग भी लोग के जागरूक करत नजर आईल। साथे साथ यातायात नियम के अवहेलना करे वाला लोग के जागरूकता के प्रयास कैल गई। बता दी कि जिला में जितना भी घटना दुर्घटना भइल बा अधिकतर बिना हेलमेट पहने वाला लोगों के साथ भइल बटुए। सरकार हेलमेट पे जुर्माना 100 रुपया से 1000 कर देलस, लेकिन लोग सुध नहीं खन लेत। अब विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से स्लोगन के माध्यम से सड़क सुरक्षा सप्ताह सरकार मनावे जा रहल बिया, जेकरा तहत बक्सर के जिलाधिकारी भी अपन अलख जगावे में प्रयास कर रहल बनी। सुनी बयान। हाँ, 2018 में दुर्घटना के कारण जो मृत्यु हुई वो 92 है और घायल की संख्या 76 2018 में। 19 में ये 92 के जगह पर 81 हुआ मृत्यु और घायल 33। तो 2020 में 81 के जगह पर वो 84 हो गई, 3 बढ़ गया पिछले साल से, और घायल की संख्या 77 हो गई। हालांकि 2018 की तुलना में कम है, लेकिन विगत जस्ट वर्ष के बाद जो बढ़ा है ये चिंता का विषय है और इसी के चलते हम लोग इसको पूरा महीने भर पंचायत तक जा रहे हैं और पंचायत में हर सरकारी भवन पर सड़क सुरक्षा का स्लोगन स्टिकर चिपका रहे हैं, जागरूकता रथ को घुमा रहे हैं सभी पंचायतों में और नुक्कड़ नाटक करवाएंगे। जागरूकता रथ लोगों के बीच जागृति लाना पिक्चर के माध्यम से है, ये वाला स्लोगन नहीं, आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझा रहे हैं कि देखिए आप चल रहे हैं तो कैसे होते हैं, आज दुर्घटना के बाद स्थिति क्या होती है। तो पिक्चर के साथ स्लोगन है और उसी को दर्शाने के लिए नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रथ पूरे जिला में करवाएगा। फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो उसके लिए क्या उपाय? तो कानून तो अपना काम करेगा ही, कानून काम करेगा, लेकिन दोनों एक साथ चलेगा ना,
अवेयरनेस और कानून सुरक्षा माह, उसमें जो सुरक्षा है वो एक सभ्यता का प्रतीक है। तो हम लोगों को जो है वो सुरक्षा को आइसोलेटेड नहीं देखना है, एक एक जो है सभ्यता की तरफ हम लोगों को देखना है और सभ्य समाज से उसको जोड़ के देखना की जरूरत है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जो कोरिया, साउथ कोरिया हम लोग गए थे और वहां पे ट्रेनिंग में हम लोग गए थे और रात के हम लोगों को लगभग दो बज रहे थे। कुछ हम लोग मित्र थे जो रोड क्रॉसिंग कर रहे थे, जो आप जिब्रा क्रॉसिंग है वो हम लोग पार करने का प्रयास कर रहे थे, रात के दो बज रहे थे। और हम लोगों का क्या टेंडेंसी होता है, हम लोग यहाँ से गए थे और आदतन हम लोगों का यही है कि रोड खाली दिखा तो हम लोग पार करेंगे। और वहां पे क्या था कि जब हम लोग उस स्ट्रीट पे थे और जब देख रहे थे तो वहां पे रेड लाइट जला हुआ था, रोड खाली था, हम लोग क्रॉस कर गए। और हम लोग क्रॉस करके जब अपोजिट साइड जब गए हैं तब हमने देखा कि रेड लाइट जल ही रहा है और एक गाड़ी है, दो बजे रात की बात आपको बता रहे हैं, और एक चार चक्का की गाड़ी है और वहां के रेड लाइट पे आके रुकती है। जब वो उसका सिग्नल ग्रीन होता है तब वो वहां से क्रॉस करता है। तो जरूरी नहीं है कि वहां पे कोई पुलिस नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और फिर भी वो चीज वो अपना उसका एक एक, एक कहीं उस सुरक्षा के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना है। तो ये प्रयास हम लोगों का यही है। सर, इस तरह के कार्यक्रम से सड़क दुर्घटना में कितनी कमी लाई जा सकती है? देखिए, इसमें जब लोग अवेयर होंगे और जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसको अगर पालन करेंगे तब को जो है जो मृत्यु दर है जो घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उसमें जो घायल होते हैं जब मृत्यु होती है उसकी संख्या में आवश्यक रूप से इसमें कमी आएगी। कितने दिन कार्यक्रम चलेगा सर? ये आज जो है 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक का कार्यक्रम हम लोग ये चला रहे हैं।